कक्षा एक विषय हिंदी। हिंदी के अंदर हम जो पार्ट था मुर्गे और लोमड़ी वाला, उसको हम कर रहे थे। उसके हमने आपको प्रश्न उत्तर लिखवाए थे। आज हमारे पास जो प्रश्न है वो है कि उचित विकल्प का कर्माचर कोष्टक में लिखिए। यानी आपको एक प्रश्न दे रखा है और इस प्रश्न के चार उत्तर दे रखे हैं। इन चारों उत्तरों में से जो सही उत्तर है उसका जो क्रम है, उस क्रम के नंबर को आपको यहाँ पर पीछे कोष्टक में लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, मुर्गे ने लोमड़ी से कैसे अपना बचाव किया। मुर्गे ने लोमड़ी से कैसे अपना बचाव किया। देखो पहला प्रश्न है मूर्खता द्वारा, फिर है सज्जनता द्वारा, बुद्धिमत्ता द्वारा और धूर्तता द्वारा। चार ऑप्शन। पहला है मूर्ख, यानी मूर्खता से उसके साथ अपना बचाव किया। सज्जनता यानी हाथ जोड़कर अपना बचाव किया। बुद्धिमत्ता यानी अपना दिमाग यानी बुद्धि लगाकर अपना बचाव किया। और धूर्तता यानी चालाकी से अपना बचाव किया। तो इसका सही उत्तर होगा, जैसे लेसन का नाम दे रखा है बुद्धिमान दे रखा है ना, तो लोमड़ी ने मुर्गे ने लोमड़ी से कैसे बचाव किया, बुद्धिमत्ता द्वारा, यानी अपनी बुद्धि लगाकर अपना बचाव किया। तो इसके अंदर तो सही आंसर है वो है बुद्धिमत्ता द्वारा। इसका जो क्रम है कर्माक्षर कौन सा है, सब इस आंसर को हम इस कोष्टक में लिख देंगे। और इस पर टिक लगा दिया हमने कि कौन सा आंसर है इसके अंदर, बुद्धिमत्ता द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न है आपका, बुद्धिमान मुर्गे का क्या नाम था। बुद्धिमान मुर्गे का क्या नाम था। इसके चार ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। देखो पहला उत्तर दे रखा है दुनमुन, दूसरा दे रखा है मुनमुन, तीसरा यानी स नंबर दे रखा है रुनझुन, और द नंबर दे रखा है बुनबुन। तो लेसन के अंदर मुर्गे का क्या नाम दे रखा है, रुनझुन दे रखा है। क्या दे रखा है, रुनझुन। यानी सही उत्तर क्या है आपका, रुनझुन। और इसका कर्माक्षर कौन सा है, स। इसे हम इस कोष्टक में लिख देंगे और इस पर हमने टिक लगा दिया। तो आंसर हुआ मुर्गे प्रश्न बना, अगर दूसरा के मुर्गे का क्या नाम था तो रुनझुन नाम है उसका। फिर तीसरा प्रश्न, धूर्त लोमड़ी का क्या नाम था। धूर्त यानी चलाक लोमड़ी का क्या नाम था। पहला नाम दे रखा है चुलबुली, अ नंबर पर। ब नंबर पर आपको दे रखा है छबीली। स, स नंबर पर दे रखा है नखरीली। और द नंबर पर दे रखा है रंगीली। तो लेसन में जो आपको लोमड़ी का नाम दे रखा है वो क्या नाम दे रखा है, रंगीली दे रखा है। क्या दे रखा है, रंगीली। और इस सही उत्तर जो रंगीली है इसका कर्माक्षर कौन सा है, द। इसको हमने यहाँ लिख दिया द, और इस पर हमने लगा दिया टिक। अब आपका अंतिम प्रश्न, मुर्गा लोमड़ी से डरकर कहाँ जा बैठा। मुर्गा लोमड़ी से डरकर कहाँ जा बैठा। पहला है घर में, दरबे में, पेड़ पर, पिंजरे में। तो पहला उत्तर है घर में, दूसरा है दरबे में। दरबा क्या होता है, जहाँ पर मुर्गे मुर्गियों को रखा जाता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, दरबा बोलते हैं। तो इसका दरबे में। तीसरा है पेड़ के पर यानी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। और तीसरा है सॉरी चौथा है पिंजरे में। तो इसका सही उत्तर है कि मुर्गा डरकर कहाँ जा बैठा, पेड़ पर जा बैठा। और इसका कर्माक्षर क्या है, स। तो हमने इस बॉक्स में आपको लिखना है स। अब ये इन चारों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए।